दोस्तों, प्राचीन समय में आदिवासी मानव अपनी दाढ़ी और बालों को बनाने के लिए नुकीलों पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज आधुनिक समय में रेजर ब्लेड से अपनी दाढ़ी को लोग चुटकियों में बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि सभी ब्लेड्स को एक ही डिजाइन में क्यों बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है क्यों सभी ब्लेड्स का शेप एक ही जैसा क्यों होता है? अलग अलग कंपनी इन ब्लेड्स को अलग अलग शेप में बना सकती हैं, लेकिन नहीं बनाती हैं। तो इसके पीछे का राज क्या है? दरअसल 1901 में जिलेट कंपनी ने अपना रेजर और ब्लेड लॉन्च किया था। दोस्तों, जब जिलेट कंपनी ने अपना रेजर बनाया तो ब्लेड को उसी अकॉर्डिंग शेप में दिया गया ताकि ब्लेड रेजर में परफेक्ट बैठ जाए, इसलिए ब्लेड के बीच में इस तरह का कट बनाया गया। लेकिन जब जिलेट कंपनी ने अपना रेजर और ब्लेड लॉन्च किया था, उसी वक्त 20 साल का एग्रीमेंट पेपर भी बनवा लिया था। लेकिन दूसरी कंपनी अपना रेजर तो बना सकती है, लेकिन उनको ब्लेड रेजर का ही यूज करना पड़ता है, इसलिए दूसरी कंपनी को भी रेजर ब्लेड के ही जैसे अकॉर्डिंग में बनाना पड़ता है। लेकिन 20 साल पूरा होने के बाद सभी कंपनी ने अपने फायदों को देखते हुए इस शेप को नहीं बदला, लेकिन 1901 से लेकर अब तक चलते आ रहा है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।